आज 9 अप्रैल 2024 के YouTube लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। विलास कांबळे जी, नवीन वर्षाच्या सर्वांच्या मंगलमय हो। जय सेवा, जय जवाहर, जय सेवा, जय जवाहर। अब भी जस्ट पहुंचा हूँ क्लिनिक पे, डॉट 2:01 पे पहुंचा। सॉक्स भी निकल दिया, अभी नहीं लगाया, एक मिनट दिया लगाता हूँ, धूप लगाता हूँ, तब तक लोग आ जाएंगे, बात रखते हैं। एनर्जेटिक हैप्पी गुड़ी बाड़वा, भीम भुजारी जी प्रणाम, परेश कुमार जी जय श्री कृष्ण, ऋतुराज जी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम अर्पित जी, प्रणाम। तो आज का लाइव मैंने वो पब्लिक रखा है, इसके पहले के तीनों चारों लाइव मैंने मेंबर्स किए ओनली। ये नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए था, इसलिए मैंने ये ओपन रखा है। अविनाश कावे जी गुड़ी पड़ोस हार्दिक शुभेच्छा, तो वाला जिग्नेश भावसार जी गुड़ी पड़ोस शुभेच्छा, तो वाला पन राहुल श्रीवास्तव जी प्रणाम, कांचन वर्मा जी प्रणाम, हिमांशु दयाल जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज पाड़वा है, आज हिंदू वर्ष का शुरुआत, नए साल की शुरुआत आज के दिन होती है। शके जो है, शके शालिवाहन, ये जो है ये मराठी नव और हिंदू नववर्ष के जो है शके शालिवाहन, ये पैठन के जो राजा थे शालिवाहन राजा, उनकी ये जो है कैलकुलेशन साल की, वो उन्होंने चालू की है। पैठन जो मेरा प्रॉपर गांव आता है, वहीं से शके शालिवाहन चालू हुआ। कल परसों या फिर ये समझ लीजिए राकेश शर्मा जी का वीडियो आया, कब आया, शुक्रवार के दिन आया ना, शुक्रवार या शनिवार को आया, आया शुक्रवार के उनका शक्ति का वीडियो आया, और वहाँ से एक इवेंट बनना स्टार्ट हुआ, वहाँ से एक इवेंट बनना स्टार्ट हुआ जो कि कल हुआ इवेंट। और एक या दो चीज़ों से इवेंट नहीं बनता है, और वो इवेंट बड़ा रहता है। मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, मुझे मेरी बात रखनी है, जो मैसेज है मैसेज पहुँचाना है। तो
राकेश जी का वीडियो आया, और फिर उसी 11 बजे के वीडियो के पहले ठीक सवा 10 बजे 10 बजे के 10 में मेरा वीडियो था कि एनर्जी जो है वो 60-70% अभी वैष्णवी की, राधे की और वैष्णवी की वो अवतरित हुई है, पूरी 100% अवतरित नहीं हुई है। और वो इवेंट जो है एनर्जी अवतरण का, आज से, आज नवरात्रि स्टार्ट हुई है, चैत्र नवरात्रि, और आज से वो एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फिर से रिटर्न। जो पॉज हो गया था, जो पॉज हुआ था, उस पॉज को अभी रिमूव किया गया और उस एनर्जी का अवतरण स्टार्ट हो चुका है। कुछ प्रोसेस रहती है, आप इस बात को समझिए। आपने कांतारा मूवी देखी, आपने मून नाइट देखा, तो एक एक चीज़ है उसके कि वहाँ पे वो एनर्जी आने के पहले प्रोसेस होता है, और आपने ये प्रोसेस समझ भी नहीं आता है। खास वीडियो 144,000 जो है जो समान स्टार सिट्स उनके लिए मैं डाल रहा हूँ। देखिए प्रकृति मैडम हुआ, राकेश शर्मा जी है, मैं हूँ, हम आपको गाइड कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये कई किताबों में इसमें नहीं लिखी गई है, ये आता है गुरु शिष्य परंपरा से। अब जब कल का इवेंट हुए और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अरे हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे साथ भी जो होता है वो, जैसे राकेश शर्मा जी की जिंदगी में जो प्रकृति मैडम के साथ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जब तक हो के जाता नहीं, और तब हम जब जाके गुरुओं का आह्वान करते हैं तब फिर। अब आज कल के सारे इवेंट हो गए और मैं शाम से परेशान हो गया था, रात से, क्या करे तो करे, क्या समझे तो समझे, क्या कुछ सलूशन नहीं समझ में आ रहा, कुछ जवाब समझ में नहीं आ रहे। फिर आज सुबह, आज पाड़वा था, तो नज़दीक में ही गजानन महाराज का मंदिर है, तो वहाँ पे गया मैं गजानन महाराज के मंदिर में, लाइन थी, आज पाड़वा है तो। और जाके फिर मैंने गुरु वंदना की और आह्वान किया कि गुरु है आप, गुरु तत्व है आप, तो इस शिष्य को उसको गाइड कीजिए, हो क्या रहा है, इवेंट क्या है, मैं क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बस प्रदर्शन किया, और जैसे मंदिर में बाजू में छोटे छोटे मंदिर रहते हैं, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में देवी का मंदिर था, हनुमान जी का था, और मेरे सामने कुछ अंकल्स थे, सीनियर सिटीजन्स थे, मैं देख रहा था उनको, ऑब्जर्व किया कीजिए, जब मंदिर जाते हैं ना, अगर भीड़ है तो कम से देख ऑब्जर्व कीजिए। जब आप भगवान के पास, जब आप गुरुओं के पास जाके आप सोल्यूशन मांगते हैं कि क्या है, क्या करें, तो आप सिर्फ वंदना करके दिल में वो चाहत करते हो। मगर क्या इतना, देखिए जो वहाँ पे देखा मैंने, जो देवों के पास गए थे, लोग मांगते हैं लिटरली। ये जो मांगना जब आता है ना, तब कोई रास्ता पूरी तरह से फंस गया है, और वो आदमी रास्ता ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हमेशा हमेशा रास्ता आपको गुरु तत्व दिखाते हैं। जब आपको समझ भी नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, तो आप जाके, आजकल जो दोस्त है नहीं, रास्ता दिखाने का काम किसका होता है, दोस्त का होता है, फ्रेंड का होता है, सखा का होता है, तो आजकल दोस्त रहे नहीं है, कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, तो गुरु तत्व जो होते हैं वो गाइड करते हैं। फिर किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, वो सीनियर अंकल के, या सीनियर आंटी के, या किसी किसी भिखारी के स्वरूप में भी आ सकता है, किसी दुकानदार के स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में आपको सजेशन देने आ सकता है। तो देखा मैंने सबको, तो एक आज पाड़वे के दिन है, मगर चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं, कुछ खुशी ही नहीं। वहाँ से निकला, गार्डन था बाहर मंदिर के बाजू में, वहाँ पे थोड़ी देर बैठा,
सोच रहा था सारे के सारे इवेंट राकेश शर्मा जी के वीडियो के, मेरे वीडियो, मेरा वीडियो उसके बाद में राकेश शर्मा जी का वीडियो, और उसके एक दिन पहले प्रकृति मैडम का वीडियो, इवेंट कैसे प्रकृति मैडम का वीडियो, फिर मेरा वीडियो, फिर राकेश शर्मा जी का वीडियो, फिर इवेंट बनते गए, और इस तरह से बनते गए कि जो प्लान नहीं थे वो चीज़ें बनती गई, इस तरह से होती गई। ये आपके साथ भी होगा, मैं आप इसलिए आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि ये आपके साथ भी होगा, जो भी 1,54,000 जो भी सोल है यहाँ पे, आपके साथ भी ये इवेंट होगा, और वो इवेंट होगा तो आपको डगमगाना ही नहीं है, आपको डगमगाना नहीं है, आपको कर्म करने से भागना नहीं है। जब सब हो गया, शस्त्र आ गए, एनर्जी आ गई, और अर्जुन बोला कि नहीं मैं नहीं करने वाला कर्म, अब मेरे से नहीं होने वाला है, सेम सिचुएशन, यानी अब शस्त्र एनर्जी का अवतरण स्टार्ट हो चुका है और कर्मों का करने से मना किया जा रहा है। ये सेम सिचुएशन महाभारत में जब हुई थी, वो सेम महाभारत 2.0 में भी ये हो रही है, कर्म नहीं करने का बहुत आता है, हमको भी कई बार आता है यार, कल इसलिए मैंने कहा हम रहेंगे या ना रहेंगे, जो कर्म करेगा उसको मुक्ति मिलेगी, लड़ना तो पड़ेगा, रनिन गतिवीर गाना दादा समय ने न पाहे रे मांगा, जब तुम रन में निकल चुके हो, तुम पीछे जो देख रहे हो, वो पीछे देखने का कारण जो है ना, वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कल तुम वशधार में चले जाओगे और तुम्हें वो याद आएगा तो तुम छोड़ के वापस आ जाओगे, तो वो होने के पहले एनर्जी जो आज 9 दिन में 60-40% मैंने कहा था, 60% जो एनर्जी ये अगले 9 दिनों में जो अवतरित होने वाली है रामनवमी को, जिस दिन याद कीजिए, जिस दिन आपको मेरा वीडियो देखने को मिला है, उसके कंप्लीशन फेज में, 2 साल कंप्लीशन के फेज हो जाएगा, उसके आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, खत्म हो रही है रामनवमी को, नेक्स्ट डे उसके, तो उसके एक दिन पहले से फेज स्टार्ट हुआ है, एनर्जी आना स्टार्ट हुआ है, एनर्जी स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए जो क्लिंजिंग था, ग्राउंड क्लिक था, वो ग्राउंड बनाया गया, और वो क्लिंजिंग इतना हार्ड रहता है, ये मैंने सितंबर में एक्सपीरियंस किया है, और मुझ में जो एनर्जी एंट्रेंस स्टार्ट हुआ वो अक्टूबर में हुआ, तो जो वो फेस था मेरे लिए वो बहुत टफ फेस था, इसलिए मैं उस फेस से गया हूँ, इसलिए मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपके पास जो भी आता हूँ, सो अनुभव बताता हूँ कि ये अनुभव मैंने किए हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे, हवा में आके बात नहीं की है मैंने कभी, तो ये 1,44,000 जो है वो समझ लीजिए, जब आपके अंदर एनर्जी आने का टाइम पीरियड आएगा तो उसके पहले एक बहुत बड़ा झटका मेंटल इमोशनल लेवल का वो आपको लगेगा, और वो लगाया जाएगा, वो डिवाइन लगाता है, वो डीसी डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, जो चीज़ बहुत बढ़िया बढ़िया लग रही थी मगर वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आपके लिए बहुत नीडेड थी, आपकी ज़रूरी थी, इसलिए वो हुई है। निमित्त कौन बनता है पता नहीं, निमित्त कौन बनेगा, आपके भाई बनेगा, आपके पिताजी बनेगा, आपकी माँ बनेगी, आपका दोस्त बनेगा, आपकी बीवी बनेगी, आपकी वाइफ बनेगी, आपके हस्बैंड बनेगा, बच्चे बनेंगे, पता नहीं, मगर वो इवेंट बनता है जहाँ पे आपको एक मेंटल इमोशनल शॉक लेवल का दिया जाता है, और आपको रियलाइज करवाया जाता है कि आप किसके साथ अटैच हो, आप किसके साथ जुड़े हुए हो, वो आपका वीक पॉइंट है, वो आपके आत्मा को यहाँ पे रोकने का कारण है, आपको उस चीज़ को फिर डिटैच करना पड़ेगा, आप वहाँ पे अटैच हो, वो रीज़न दिखाता है, उसको आपको डिटैच करना पड़ेगा, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपको अपनी ढूंढनी पड़ेगी, और वो खास करके गुरुओं के पास जाइए, गुरु आपको गाइड करेंगे, गुरु तत्वों के पास जाइए, जाके वहाँ पे 2-5 मिनट के लिए आँख बंद करके पूछिए। फिर मैंने आज, जब वो हुआ इवेंट, मैं घर पे आया, आज मैं बाहर गया था एक्चुअली, आज आया ट्रैवल करके, 1 बजे घर पे पहुँचा, पहुँचते ही जस्ट फ्रेश हुआ, मुँह पानी मारा, मुँह पहुँचा और भजन लगा के लेटा हुआ था, और फिर आह्वान किया मैंने
स्वामी समर्थ जी को कि इस बार भी कुछ गलती हुई है? जवाब आया, नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, जो होना था वो होना था और वो करवाया गया है। तुझे लगता है तूने किया है? नहीं, करवाया गया है। अब सिर्फ समझा, तेरे को समझाने की ताकत बहुत अच्छी है, अब समझा। तो इसलिए आपको समझाने आया कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग मेंटल इमोशनल शॉक जो है। और रही बात इक्लिप्स की, तो इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण था, बहुत हाई लेवल की एनर्जी थी, इसलिए कल मुझे 7 मेडिटेशन नहीं करवाए गए मुझसे। एक हार्डली 4.5, 5वां भी कंप्लीट नहीं किया गया। एक हार्डली मेरे ख्याल से 76-79 तक काउंटिंग चल रही थी मेरी जायंट की, मंत्र जाप की, और रोका गया मुझे, उठाया गया मेडिटेशन से, लिटरली ये उठाया गया। पर देखा है आजकल मंदिरों में बैठने नहीं दिए जा रहे हैं लोगों को मेडिटेशन के करने को, तो वो मेरे साथ बहुत बार हो रहा है, देखा है। इवन गजानन मंदिर भी गया था तो नज़दीक वाले, तो वहाँ पे भी नहीं मंदिर में नहीं बैठने का, बाहर जाओ, वहाँ गार्डन में जाके बैठो, तो मंदिरों में नहीं बैठने दिया जा रहा है, ये देखा है मैंने। तो मुझे उस 4.5 काउंट करके मुझे रोका गया कि एनर्जी हाई थी। मैंने कहा एक तो अमावस्या है, ऊपर से सोमवती अमावस्या आई तो डबल गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ऊपर से ग्रहण आ गया, 3 गुना हो गया, ये 3 गुना, और प्लस मैंने 4 मेडिटेशन किए थे, 4.5 हो रहा था, तो 3 गुना मल्टीप्लाई बाय 4, 12 गुना हुआ वो। और ऊपर से मेरा ये है कि मुझे जो गुरु मंत्र मिला है अकबर गुरु जी से, वो गुरु पुषमृत को मुहूर्त पे मिला है। गुरु पुषमृत मुहूर्त का ये होता है कि वहाँ पे जो गुरु दीक्षा मिलती है तो वो 3 गुना उसका असर होता है। तो ये 15 जो मैं मेडिटेशन कर रहा था, सॉरी ये 5 मेडिटेशन जो कि इसके 3 गुना तो हो चुका था पहले ही, अमावस्या सोमवती अमावस्या पूर्ण ग्रहण, तो वो 15 गुना हो गया, प्लस मैं 3 गुना लेता हूँ तो 45 गुना हो गया, तो वो 5+4=9 आ गया है कंप्लीट। तो 9 45 गुना वो एनर्जी हाई थी, फिर वो एनर्जी ट्रांसफ़र किया गया तो 45 को मेरे लेवल के एनर्जेटिक जब होता है तो 45+45 90 गुना वो एनर्जी का असर हुआ, 90 गुना, मैं 90% नहीं कर रहा, गुना की बात कर रहा हूँ, कितना गुना। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, डिवाइन को एक्सपेक्टेड नहीं था, स्वामी ने कहा ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये जो हुआ है ये हार्ड एंड फास्ट लेवल पे एनर्जी क्लींजिंग की गई है, ताकि आज दिन भर में वो आज कल रात से लेके आज दिन भर ये 12 घंटों में वो पूरा क्लींजिंग हो जाएगा और आज रात से एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे 144 को बता रहा हूँ, सब आपके साथ 144 जो है ये तुम्हारे साथ आना। कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ मैं। जानवरकर मैडम नमस्कार, हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हारा अपन लाइफस्टाइल बॉडी इतनी एनर्जी को झेल नहीं सकती, इसीलिए वो रोका गया, डिवाइन ने रोका हमें, बस ऊपर से मेरा जो है एनर्जी हाई थी, एनर्जी गेन करता हूँ, कर सकता हूँ, किया है। तो इसलिए सर ये केम इन माई ड्रीम लास्ट नाइट शोइंग समथिंग बट नॉट अपीयरिंग प्रॉपरली। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मंदिरों में जाइए, एनर्जी लीजिए, फिर क्लियर विजन आता है। देखिए एक तो एनर्जी जब हाई होती है ना तो आप लोग समझ नहीं पाते हो क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, मुझे इवन खुद का कल का आधे दिन क्या हो रहा था मेरे सब मेरे को याद नहीं है, मैट्रिक्स छूटत नहीं है। सही बोले, यही तो है मैट्रिक्स। राकेश शर्मा जी का जो वीडियो है तो अपने 30 अक्टूबर का जाके देखिए, पांडव ये माया जो है इस मैट्रिक्स को, अपनी माया को इस तरह से तोड़ेगा
कि जिनको पता होना चाहिए वो समझ में आएगा। तो मैट्रिक्स टूट रहा है, जिनको मैट्रिक्स टूट नहीं रहा है उसमें और डीप जा रहे हैं और कर्म करने से भाग रहे हैं। तो ये फिर से मौका है, फिर से नौबत आई है कि फिर से अर्जुन को बताना पड़ेगा कि तू है कौन और तू क्या कर रहा है, क्या फैमिली फैमिली कर रहा है तू। फैमिली के लिए आए हैं, 750 करोड़ आत्माएं हैं और उसमें से तुमको चूज किया गया, तुझे चूज किया गया और तू बोल रहा है मुझे फैमिली चाहिए, फैमिली चाहिए। अगर फैमिली चाहिए तो मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से करेगा, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से करेगा। इस चीज को समझिए, हमें भी फैमिली है और मेरे मेरे माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरे बीबी को, मेरे इनको सबको बोल दिया है मैं आपके साथ कुछ नहीं है अटैचमेंट, हाँ आपके साथ हूँ, रहता हूँ, कर्म करता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, एजुकेट करना। उनको वो जब बीमार गिरते हैं, एज हो गया है, बीमार गिरते हैं, पापा बीमार गिरे तो हाँ मैं क्यों गिरे थे कि मैं नहीं बोल रहा था, दिल से भी नहीं बोला था फरवरी में 2023 में कि मैं नहीं हूँ एक्सेप्ट करने के लिए। एक जनवरी में बच्चिया बीमार गिरी तब मैंने कहा था मैं नहीं करने वाला एक्सेप्ट, प्रकृति मैडम बहुत समझा रही थी मुझे कि नहीं 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 करना पड़ेगा वरना इसका असर फैमिली पे गिरता है, पर तब समझा फैमिली तो जाना है बहुत बड़ा है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने यहाँ पे जन्म लिया, मैं 144 को बता रहा हूँ, मैं कॉमन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए 144 लिए प्राइवेट वीडियो बना रहा था कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे वो झेल नहीं पाएंगे इस बात को, और आईटी सेल वाले तो बिल्कुल झेल ही नहीं पाएंगे। तो 144 को सीधा मैसेज है, आप यहाँ पे आए हैं प्रकृति मैडम, उसके बारे में आपको भी मौका मिला ना लाइव में आएंगी तो मैडम से एक बार पूछ लीजिए, मैडम उनके माँ के और पिताजी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कितना अटैच है, उनके बच्ची के साथ कितना अटैच है, ये अटैचमेंट नहीं रहता है, ये सिर्फ हाँ है और ठीक है। आप कृष्ण देख लीजिए, पैदा हुआ द्वार देवकी के यहाँ पे जेल में, लाया गया यशोदा माँ के यहाँ पे, फिर यशोदा माँ को उनको छोड़ के फिर जाके कर्म करने के लिए, ये कर्म प्रधान है। आपको अगर करना है, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो कर्म करना पड़ता है, और कर्म उसी से करवाया जाता है जो करने के लायक है। आप कृष्ण को गुरु बनाना चाहते हैं तो विष्णु शर्मा जी ने कहा था कृष्ण बहुत परीक्षाएं लेता है, जब आपको लगता है मिल गया तभी हो लेता है। तो ये आखिरी प्रोसेस थी कल की परीक्षा, जिसमें तुमको सबक जो सीखना है उसके लिए बात करनी पड़ती है, उसके लिए बात करनी पड़ती है। तो बात जब आप तक नहीं पहुंचे तो फिर एनर्जीज को आके बताना पड़ता है। आप 144,000 आपके साथ परीक्षा होगी और ये सब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अच्छी चीज हो जाएगा, डिसीजन आप ऐसे लेंगे। तो आपको चूज करना पड़ेगा और वो चूज आप करेंगे तो फिर आपको सबक सिखाया जाएगा कि ये गलत है। अगर सही चूज किया दैट तो वेरी गुड एंड वेल, नहीं करोगे तो आपको बताया जाएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। और इसके लिए राह मत देखो, राकेश शर्मा जी का वीडियो है, उठाओ फोन, लगाओ फोन, राह किसकी राह देख रहे हो। तो आपको अगर लग रहा है तो अपने गुरु जो है उनसे गाइड कीजिए, उनसे पूछिए कि ये क्या है, इसका डिसीजन क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। हम किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, मगर गाइड कर सकते। जैसे कृष्ण ने गाइड किया अर्जुन को कि तू युद्ध तुझे लड़ना था, तूने मांगा थी सलाह तो मदद, तो मैं आया तेरे साथ, सारथी बना हो तो मेरा काम है, ना तेरे मन को ना तेरे रथ को भरकटने दूंगा पार्थ। तो जब हम सारथी बने हैं तो हमारा एक काम है, हम तुम्हारे मन को भरकटने नहीं देंगे, हमारा काम है तुम्हारे मन को ट्रैक पे लाना। तुम गलत डिसीजन ले रहे हो तो सही डिसीजन के लिए मदद करना, मगर कर्म तुमको करना पड़ेगा। मैं कई बार यहाँ पे बोल, चैतन्य है, रत्नेश है, डॉक्टर जयवाल है और कई सारे जो मुझसे मिले हैं, मैं तुम्हारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं, मैं गाइड करता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मगर तुम कर्म करते हो उसका फटका बैठता है। अभी जो है अभी ज़रूरत है बात करने की,
अभी जो है गाइडेंस लेने की, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे पता करने की। हमें नहीं पता, हम सीधे जाते हैं गुरुओं के पास और कहते हैं गुरु नहीं पता चला है, बताइए इसका मीनिंग क्या है, और गुरु गाइड करते हैं हमें, क्योंकि हमारे दिल में भाव है, हमारा गुरु उच्च का है, हम गुरु को मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो तुरंत गाइड करते हैं। और हम आपको बोलते हैं सुनो हमारी बात, हम बात सुनते ही नहीं हो। गाइड कीजिए, ये आज रात से एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो वो एनर्जी अवतरण स्टार्ट हो जाएगा। सभी 144 इस गुड़ी पाड़वे की, इस नववर्षी तुम सभी को शुभकामनाएं। इस नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की आपको सभी को शुभकामनाएं, एनर्जीज के ग्रहण के लिए बी रेडी। इसमें आप आपका कोई किंतु और परंतु नहीं है, वो फेज छूट, वो फेज रहा ही नहीं अभी तुम्हारा। तुम प्लेन में बैठे हो, तुम रेलवे के पटरी पर डब्बी में नहीं हो कि हाँ अभी मेरा, मुझे लग रहा है कि अभी मेरे से हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा है तो मैं उतर जाऊंगा। आप रेलवे के डिब्बे में नहीं हो, आप प्लेन में हो। तुम्हारी इच्छा हो ना हो, प्लेन के द्वार खुलते नहीं है जब तक लैंड नहीं होता है, तो लैंड होने वाला है रामनवमी को। रामनवमी को जाना पड़ेगा राम जी के दर्शन करने, बुलाया है, जब बुलाया है तो जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आज से एनर्जीज आप में आएगी, उसके लिए पहले आपको आपका मन क्लियर करना पड़ेगा, और हम गाइड करने के लिए बैठे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जोहार, जय सिया राम। और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, अगले वीडियोस जो रहेंगे वो चोजन वंस के लिए प्राइवेटली रहेंगे जी, निश्चित चिड़चिड़ होते यही तो खेल है, हमारी भी हो रही थी कल रात से, हमने भी उसका जवाब ढूंढने का ट्राई किया और सोल्यूशन मिला। अब सोल्यूशन आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ पाए तो समझ लीजिए। भाव अच्छे रखिए, हाई एनर्जी में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। लो वाइब्रेशन क्या है? अनसेटिस्फैक्शन, चिड़चिड़, नेगेटिविटी, ये सारे लो वाइब्रेशन हैं, और लो वाइब्रेशन आपको तकलीफ देगा। जितने आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे एनर्जी आप में आएगी उतनी तकलीफ होगी आपको, इतना याद रखिए। उतना सर दर्द, उतना वोमिटिंग, उतना बॉडी पेन, उतना बैक पेन, उतना ज़्यादा रहेगा। और जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मूड अच्छा रखोगे, मेंबरशिप लेना आवश्यक हो रहा है। मैम किसी को बोल दीजिए, अब क्या बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी प्रोसेस नहीं पता उसका, भाई का, भाई उसको सब देखता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ एनर्जीज की, ब्लैक स्वान मेरा पुराना वीडियो था, आप जाके देख लीजिए। तो मेंबरशिप का मैंने आपको बताया है, भीम पुजारी जी, भीम पुजारी जी कह रहे हैं कि जीपे से हो जाता है, अगर आपका गूगल पे या फिर फोन पे है। काल 7 चक्र से मेडिटेशन के लिए, परंतु क्या मैडम, काई चरण इसलिए नहीं मैम, आप लो नेगेटिव एनर्जी में होंगे इसके लिए वो आपको दिखे नहीं है। जब आप हाई एनर्जी में रहेंगे, आप हाई वाइब्रेशन में यानी पॉजिटिव एटीट्यूड में और पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे, तो आपको कलर भी दिखेंगे, आप खिलेंगे भी, आप उसमें उस फ्लो में भी जाएंगे,
छान वाटत नव्हते, हेही तो मैं कह रहा हूँ, आप लो व्हायब्रेशन में थी मैडम, आप लो व्हायब्रेशन में थी, आप जब लो व्हायब्रेशन में थे इतना याद रहिए, लो व्हायब्रेशन में कभी भी मेडिटेशन के लिए मत बैठा कीजिए, एक मेरी सलाह है आपको, आप जब लो व्हाइब्रेशन में मेडिटेशन में बैठते हैं तो 101% आप लो व्हाइब्रेशन में रहेंगे, और लो व्हाइब्रेशन में फिर जो तकलीफ होती है उसका इम्पैक्ट आप पे गिरेगा, और ऊपर से कल हाई एनर्जी थी, सोलर ग्रहण था, सोलर इक्लिप्स था, सब था, तो उस पर और निगेटिव विचार अगर आप करेंगे तो आप और उसका इम्पैक्ट आप पे गिरेगा। देखिए बीमार आदमी तभी गिरता है जब वो निगेटिव विचार सर वहाँ पे आता है, ये होम्योपैथी का कंसेप्ट है, होम्योपैथी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बी इन हाई वाइब्रेशन, बी इन ऑप्टिमिस्टिक, डू नॉट बी पेसिमिस्ट, ये कैन वो कैन वो कैन, किरकिर मत करो, क्या किरकिर करते हो जिंदगी में, क्यों किरकिर करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम कौन है कर्तव्य करवी थे, अर्जुन कौन था, उसकी क्या, उसने कह रहा है तेरी हैसियत क्या है, तुझे क्या लगता है तू कर रहा है, सब हम करवा रहे हैं, जो मैंने स्वामी समर्थ जी से कहा, पिछली बार भी कहा था सितंबर महीने में, और पिछले हफ्ते भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि तू समझाओ उसको सबको कि तुम नहीं कर रहे हो, हम करवा रहे हैं, हमें वो करवा के लेना है, हमें युग परिवर्तन कराना है, दत्तात्रेय को जी को यहाँ पे लाना है, दत्तात्रेय नवनाथों को यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए तुम्हारे सोल्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब उनकी एनर्जी तुम में आएगी, और तुम अगर कहोगे कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा तो फिर फटके देंगे, वो फटके देंगे फिर मेरे को मत बोलना क्यों फटके दिए, मेरा काम है आगाह करना, मेरा काम है समझाना, करवा के ले रहे ये भी तुमको समझाना, ये मेरा काम है, तुमको समझना चाहिए। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सियाराम, जय वैष्णवी, जय कल्कि।